हेलो डियर बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो गाइज, मैं हूँ प्रेम, और गाइज आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं डिटेल कंपैरिजन क्लासिक 350 ओल्ड वाला और न्यू वाला स्टेल्स ब्लैक। जो है दोनों गाइज स्टेल्स ब्लैक है, लेकिन ये गाइज पुराना वाला वेरियंट है, और ये गाइज बिल्कुल जो लेटेस्ट 2024 में फुली LED के साथ लॉन्च हुआ है। तो गाइज ये वाला वेरियंट है वो। तो आज की इस वीडियो में गाइज हम आपको पूरा बताने वाला है कि आपको कौन सा बाइक लेना चाहिए, और इसमें हमें क्या क्या पुराने वाले से नया वाला में चेंजेस देखने को मिलता है। गाइस आप वीडियो पूरा देखना, और वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो गाइस, सबसे पहले तो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं बाइक के फ्रंट से। तो फ्रंट में गाइस आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिल जाता है इसमें और इसमें। यहाँ पर ओल्ड वाले में आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पर हमें क्रोम फिनिश में इसका कैप टाइप का देखने को मिलता है, लेकिन गाइस न्यू वाले में यहाँ पर हमें कोई कैप टाइप का नहीं देखने को मिलता है क्रोम में। यहाँ पे हमें पियानो ब्लैक फिनिश में इसका रिंग देखने को मिल जाता है। एंड गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर में, यहाँ पे हमें जो है हैलोजन में इसके पार्किंग लाइट और इंडिकेटर देखने को मिल जाता है, लेकिन इसके अंदर गाइस आपको फुली LED का सेटअप देखने को मिल जाता है। यहाँ पर हमें LED में ही पार्किंग लाइट और LED में ही हमें टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। एंड दोनों का गाइस हेडलैम्प भी चेंज है, आप देख सकते हो यहाँ पे हमें हैलोजन में हेडलैम्प देखने को मिलता है, लेकिन गाइस यहाँ पे हमें फुली LED में हेडलैम्प देखने को मिल जाता है। बाकी गाइस आपको दोनों में हमें फ्रंट फेंडर वगैरह सस्पेंशन वगैरह सारा चीज़ सेम मिलेगा। हाँ, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे एलोएस का पैटर्न भी हमें सेम रखा गया है, लेकिन गाइस इसके अंदर एलोएस पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमें रेड टेपिंग की गई है, लेकिन इस पर हमें कोई भी ग्राफिक्स या रेड टेपिंग वगैरह नहीं देखने को मिलते हैं। गाइस टायर साइज दोनों में हमें सेम देखने को मिलता है, 100x90 90 इंचेस इसमें भी देखने को मिलता है, और इसमें भी गाइस 100x90 90 इंचेस के ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाते हैं। एंड गाइस दोनों के अंदर हमें सेम 300mm का डिस्क साइज देखने को मिलता है विथ डुअल चैनल ABS। और गाइस दोनों बाइकों के अंदर आपको हजार्ड का फीचर देखने को मिल जाता है, इसके अंदर भी गाइस आपको हजार्ड का ऑप्शन मिलता है, और इसके अंदर भी हमें हजार्ड का ऑप्शन मिल जाता है। नेक्स्ट गाइस जो चेंज इसकी बात की जाए, तो नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इसके अंदर गाइस हमें एडजस्टेबल ब्रेक लीवर और क्लच लीवर नहीं देखने को मिलता है, लेकिन इस वाले नए वाले मॉडल के अंदर गाइस आपको एडजस्टेबल में ब्रेक लीवर और क्लच लीवर देखने को मिल जाते हैं। एंड गाइस नेक्स्ट चेंज की बात कर लिए, तो नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमें इसका टैंक देखने को मिल जाता है। यहाँ पे गाइस टैंक में हमें रेड कलर का स्टिकरिंग देखने को मिलता है, लेकिन इसके अंदर हमें टैंक में कोई भी स्टिकरिंग वगैरह नहीं मिलता है, बिल्कुल ही फुली मैट ब्लैक कलर में इसका यहाँ पर टैंक देखने को मिलता है। और गाइस इसके अंदर एक हमें चेंज देखने को मिलता है, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमें जो रॉयल एनफील्ड लिखा गया है 3D में क्रोम फिनिश में लिखा गया है, लेकिन इस बाइक के अंदर आप देखो गाइस यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो फुली ब्लैक फिनिश में लिखा गया है यहाँ पे हमें रॉयल एनफील्ड, यहाँ पे कोई भी हमें क्रोम का पार्ट देखने को नहीं मिलता है। बाकी गाइस दोनों बाइकों के अंदर हमें 30 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट गाइस चेंज की बात कर जाए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पार्ट यहाँ पे गाइस हमें इसका मैट ब्लैक फिनिश में देखने को मिलता है, लेकिन इसके अंदर गाइस ये पार्ट हमें ग्लॉसी ब्लैक कलर में देखने को मिल जाता है। साथ ही में यहाँ पे देख सकते हो ये गाइस यहाँ पे हमें जो यहाँ पे स्पोक्स पे हमें क्लासिक 350 की स्टिकरिंग देखने को मिलती है, ये ग्लॉस ब्लैक फिनिश में मिलती है, लेकिन इस बाइक के अंदर ओल्ड वाले में आप देख सकते हो गाइस यहाँ पे हमें रेड और वाइट कलर में यहाँ पे इसका यहाँ पे क्लासिक 350 का स्टिकरिंग देखने को मिल जाता है। एंड गाइस दोनों बाइकों के अंदर हमें सीट सेम देखने को मिलता है, यहाँ पे हमें स्प्लिट सीट इसमें भी देखने को मिल जाता है, और उस वाली में भी हमें स्प्लिट सीट का ऑप्शन मिलता है, लेकिन गाइस यहाँ पे हमें ग्रैब हैंडल चेंज मिलता है। इसमें हमें कुछ इस तरीके से नॉर्मल ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाता है, लेकिन कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमें नया वाले में यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसका ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर हमें एक छोटा सा बैकरेस्ट भी देखने को मिलता है। एंड गाइस रियर से भी सारा चीज़ सेम है, रियर में हमें दोनों के अंदर 270mm का डिस्क साइज देखने को मिल जाता है विथ ABS, एंड रियर का टायर साइज भी सेम है गाइस। यहाँ पे भी गाइस हमें 120 सेक्शन के टायर देखने को मिलते हैं, और उस वाले मॉडल में भी हमें 120 सेक्शन का टायर देखने को मिल जाता है। एंड दोनों बाइकों के अंदर गाइस आपको सेम इंजन देखने को मिल जाता है, और सेम यहाँ पर हमें दोनों में सिंगल हॉर्न का सेटअप देखने को मिल जाता है। बाकी गाइस दोनों के अंदर आपको नियर अबाउट 35 से 40 km/h तक का माइलेज मिल जाता है। एंड दोनों के अंदर गाइस आपको सेम इंजन देखने को मिल जाता है, 349.34 cc का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक एयर ऑयल कूल इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि आपको मैक्सिमम पावर 20.21 PS की प्रोड्यूस कराती है, और जिसके अंदर आपको मैक्सिमम टॉर्क 27 Nm का देखने को मिल जाता है। एंड बात कर जाए गाइस बाइक की ओवरऑल डायमेंशन की, तो दोनों बाइकों के अंदर हमें यहाँ पे कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। दोनों बाइकों के अंदर गाइस हमें 805mm का सीट हाइट देखने को मिल जाता है, साथ ही में दोनों के अंदर हमें 170mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है, और दोनों का गाइस हमें कवर्ड भी सेम देखने को मिलता है। इसका हमें 195 kg देखने को मिल जाता है कवर्ड, और इस मॉडल का भी हमें 195 kg ही कवर्ड देखने को मिलता है।
नेक्स्ट गाइस जो चेंज है वो है इसके मीटर में। आप देख सकते हो यहाँ पे गाइस हमें कुछ इस तरीके से डीजी एनालॉग मीटर कंसोल देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे हमें कोई भी गियर पोजीशन इंडिकेटर और कोई भी नेविगेशन का ऑप्शन नहीं मिलता है। लेकिन उस वाले मॉडल के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे हमें अब नया यहाँ पे ऐड हो चुका है, इसके अंदर हमें गियर पोजीशन इंडिकेटर भी देखने को मिलता है। साथ ही में गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन का भी ऑप्शन इसके अंदर आप अब आपको देखने को मिल जाता है। और एक चेंज है गाइस इन दोनों बाइकों में, इसके अंदर गाइस हमें USB टाइप का केबल देखने को मिलता है, लेकिन नए वाले में गाइस हमें USB-C पोर्ट देखने को मिल जाता है। दोनों ही बाइकों के अंदर गाइस हमें 5000 का प्राइस डिफरेंस मिल जाता है। इस वाले बाइक से हमें इस वाले मॉडल में 5000 रुपये ज़्यादा देखने को मिल जाता है। एंड गाइस आप कमेंट करके बताना आपको लुक वाइज दोनों बाइकों में से कौन सबसे अच्छा लग रहा है। आपको ये नया वाला जो स्टील्स ब्लैक है फुल्ली ब्लैक ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये जो हमारा पुराना वाला था ये आपको अच्छा लग रहा है? ऐसे तो कंपनी इसको डिसकंटिन्यू कर चुकी है, लेकिन गाइस अगर आप आरा से हैं या आरा के आसपास कोई भी सिटी से हैं तो आप यहाँ शोरूम से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आपको यहाँ पर ये बाइक अवेलेबल करा दी जाएगी। अभी इस शोरूम पर ये बाइक अवेलेबल है और ये तो आपको मिल ही जाएगी। तो आपको शोरूम का सारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। नेक्स्ट गाइस जो चेंज है वो है दोनों के बाइकों के इंजन से रिलेटेड, तो आइए जानते हैं नेक्स्ट क्या चेंज रहने वाली है। जैसे कि इस गाड़ी में आप लेते हैं तो आपका जो एक्सटेंडेड इंजन वारंटी है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है ये गाड़ी में। अच्छा गाइस जो पुराना वाला मॉडल है इस गाड़ी के अंदर आपको इंजन वारंटी है जो एक्सटेंडेड वो फ्री मिलती है। फ्री मिल रहा है पूरे 5 साल के लिए, 5 साल 50,000 किलोमीटर। और ये जो गाड़ी है इसमें जो आपको लेंगे तो उसका चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप 2 साल एक्सटेंड कराते हैं तो आपका 3499 लगेगा और 1 साल कराते हैं तो 2799 देना पड़ेगा। इस वाले मॉडल के अंदर गाइस आपको पे करना पड़ेगा और इसके अंदर बिल्कुल ही फ्री है। बाकी गाइस यही सब चेंज था जो मैंने आपको पूरा वीडियो में कवर कर दिया, अगर कुछ छूटा हुआ तो आप हमें कमेंट में बता देना। तो गाइस यही था आज का वीडियो, होप करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। चलो इस ब्लॉग करते हैं पेंट, ओके देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।